हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का टाइम है, अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मम्मी ने बनाया है पूरी आलू की सब्जी। ये बंगाली फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है बंगाली का। सो गाइस, आज के ब्लॉग में बहुत कुछ खास है, प्लीज ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस ये देखिए, सुमित ने कल रात को ये नया बाइक लेके आया है, सभी पूजा देने के लिए लेके जा रहे हैं गाड़ी को। गाइस अभी मिठाई की दुकान पे आई हूँ। सुमित खड़े हैं दुकान पर। माँ अभी तो देखो हाथ तक कांप चे। सुबह का 11:10 हुआ है। मैं आई हूँ ससुराल में और हम लोग को इधर ना पीठतौला है, तो उधर पूजा देने के लिए गाड़ी को लेके आए थे। सभी सुमित और मेरे फादर इन का दोनों गाड़ी को धो रहे हैं क्योंकि बारिश हुआ है ना, तो पूरा किचन पूरा उसका व्हील में थोड़ा सा इधर उधर लग गया, तो उसको धोकर अभी रख देंगे क्योंकि अभी नेम प्लेट नहीं हुआ है, नंबर प्लेट नहीं हुआ है। उसके होने के बाद हम लोग यूज करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग, बहुत अच्छा अच्छा मैं शूट करूंगी लोकेशन, और मुझे बहुत पसंद है। प्लीज़ गाड़ी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसका अभी क्या हो रहा है। सॉरी फ्रेंड, ये 26 तारीख का ब्लॉग मैं 30 तारीख को अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ये 5 दिनों में कुछ ऐसा हुआ है, मैं आगे जाके क्लियर करूंगी क्या हुआ है। लेकिन आज है खुशी का दिन, तो खुशी से ये ब्लॉग को प्रेजेंट करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा हूँ अपसेट, आप मेरे फेस देखकर और मेरा ब्लॉग देखकर समझ सकते हो, जो अब मैं इस वाले ब्लॉग में नहीं क्लियर करूंगी, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में करूंगी। आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और गाड़ी कैसा है कमेंट करके जरूर बताना। पीछे का हिस्सा देखने के लिए आई थी। पीछे का कुछ इस तरह से हम लोगों का है, सीम का पौधा, लेमन और पपाया उग रहा है। और मेरे फादर इन लॉ ने ये वाला बनाया है, बहुत अच्छा बनाया। सुमित अभी गाड़ी लेके ही पड़ा हुआ है। देखिए गाइस, गाड़ी को अच्छे से नहला के अभी रूम के अंदर ही रख दिया क्योंकि इसका एज यूजुअल बोला है, देखो कितना खुश है। हाँ, मोबाइल पे हर दिन मोबाइल पे वीडियो देखता था इस गाड़ी का, अभी फाइनली इसके हाथ में है। और इधर ना कुछ पूजा दिया है, अच्छा है। मेरे मदर इन लॉ अभी बैठे हैं। गाइस देखिए, फ्लिपकार्ट से फिर से हमने वो वाला जो पार्सल था रिटर्न कर दिया, हम लोग ने नया फिर से नया ऑर्डर किया है। कल रात को सुमित ने 9 बजे ऑर्डर किया, 10 बजे ऑर्डर किया, अभी आज नेक्स्ट डे 4:30 भी नहीं बजा, अभी ये डिलीवरी देके गया है। अभी इसको मैं खोल के देखती हूँ इसका कैसा हालत है, क्योंकि जितना बार मैंने अनबॉक्सिंग किया है सब यूज किया हुआ प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से मुझे घर में डिलीवर कर दिए गए हैं। और डिलीवरी बॉय बोल रहे हैं उनका कुछ भी इसमें हाथ नहीं है क्योंकि उनको जो देने के लिए बोलते हैं वही देते हैं। सो ये देखिए इस तरह से है कि इसका पैकेज, ठीक है, और देखिए खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, देखिए ना कोई सील पैक ना कुछ, तो एक्टर स्टिकर रहते हैं। कैमरा ठीक कर धरो तुम्हें। सो इसका फिर भी एक है, ठीक है। चलो मैं इसका माइक को टेस्ट करके देखती हूँ ये कैसा है, फिर आपको इसका वॉइस मैं सुनाऊंगी। देखिए ये भी यूज किया हुआ, इसका स्टिकर नहीं है, स्टिकर उठा हुआ है, ऐसा स्टिकर लगा हुआ इसमें रहता है नए माल पे। देखिए यूज किया हुआ है ये भी माइक, घिसा हुआ है, आई डोंट नो आप कैमरे में देख पा रहे कि नहीं, इधर घिसा हुआ है। तो इसको ऑन करते हैं, तो कैमरे में इनपुट करते हैं। डिलीवर जो था मैंने रिटर्न किया था क्योंकि इसका जो बटन है ना ऑन ऑफ नहीं हो रहा था।
कल रात को मैंने जो माइक अनबॉक्सिंग किया ना गाइस, ये भी खराब निकला। मैं पता नहीं क्यों, मैं जब भी फ्लिपकार्ट से माइक ऑर्डर करती हूँ मुझे एकदम घटिया क्वालिटी का यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट रिसीव होता है, और ये भी यूज़ नहीं कर पाऊँगी अनफॉर्चुनेटली। तो देखिए, मैं अभी सुबह आ गई हूँ टेरिस में, कल का आधा गीला आधा सूखा कपड़ा धूप में देने के लिए आज का मॉर्निंग बहुत खूबसूरत सा है। नेक्स्ट डे है आज और सुबह का टाइम है, धूप बहुत अच्छे से खिला है, तो मैंने सोचा जितना गीला कपड़ा है मैंने जो वॉश किया था, सूखा नहीं था और स्मेल आना स्टार्ट हो गया था, तो कंफर्ट से धोकर मैं रात को दे दिया था। अभी उसको फिर से सूखने के लिए मैंने धूप पे डाल दिया है, सो धूप पे सूख जाएगा तो अच्छा, वो गंदा जो भीगा हुआ जो स्मेल रहता है ना वो निकल जाएगा, क्योंकि छाया और आसमान का व्यू बहुत प्यारा है गाइस। हवा भी चल रहा है, ये देखिए हेलीकॉप्टर का फैन भी घूम रहा है, आप सोचिए कितना जोर से फिर ये हवा दे रहा है, ये देखिए ये बहुत जोर से घूम रहा है लेकिन वीडियो में धीरे धीरे दिख रहा है। ये देखिए, अभी मैं सामने से कैमरा हटा के देख रही हूँ ना, इसका ब्लेड नहीं दिख रहा है लेकिन कैमरे में ब्लेड दिख रहा है। सो इस तरह से आज हवा चल रहा है, बहुत खूबसूरत सा व्यू है आसमान का। सो चलिए मॉर्निंग स्टार्ट होता है, आज शुभम भी आया है। सुमित कल रात भर सो नहीं पाए, फीवर तो कम है लेकिन उसको ना वो मतलब सर्दी की वजह से ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो भी ब्रेकफास्ट किया है, शुभम ब्रेकफास्ट किया, मतलब घर में सबका ब्रेकफास्ट हो गया, मैं और मम्मी को छोड़कर कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, और मुझे बहुत गर्मी लग रहा है इसलिए ना मेरा भी थोड़ा सा गला बैठ रहा है, मेरा ना गर्मी से थोड़ा सा फीवर आ जाता है, उल्टा है मेरा। सुमित की वजह से मैं फैन नहीं चला पाऊंगी तो और मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। फिर मैंने सुमित को बोला आप ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओ, मैं फैन चलाऊंगी। सो मैंने फैन चला के सोई, सुमित ब्लैंकेट ओढ़ के सोया, अभी सो रहे हैं वो। अभी बोल रहे थे काम पे जाएंगे तो पापा मम्मी बोल रहे थे आज मत काम पे जाओ, काम पे जाओगे तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा, तो इसीलिए पापा मम्मी का बात सुनते हुए अभी तो नहीं गया है, पता नहीं थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद भी जा सकता है। नीचे मेरा बहुत सारा काम है, मम्मी के हाथ में थोड़ा सा हेल्प करना है, और गर्मी की वजह से कुछ रखने का मन नहीं हो रहा है। बारिश हुआ उसके बाद ही अगर धूप निकलता है ना बहुत गर्मी लगता है। और ये देखिए आज का धुआं, ये फैक्ट्री का जितना धुआं है इस तरफ आ रहा है, पूरा फॉगी फॉग, पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है, देख रहे हैं ना आप, पूरा धुआं धुआं हो गया है। आइए देखो सुमित तबीयत कैसा है, काम पे जा सकते हो, देखो ना कितना धुआं आ रहा है गंदा वाला, इधर आओ इधर आओ, देखो ये पूरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, पूरा गंदा गंदा वाला धुआं आ रहा है, पूरा बहुत पूरा। चलो चलो नीचे चलो, ये देखो ये लड़का अभी भी गोपाल भट्ट देखता है, उम्र से बड़ा हो गया लेकिन आदत से छोटा के छोटा ही है। तो तुम भी देखो ना, तुम्हें तो नीचे सिंचन देखो। अरे बाप रे, यार तू सामने में एक 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 भालू जहाँ पे पड़ी थी। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, और जैसे कि आपने देखा सुमित ने लिया है न्यू बाइक हीरो स्टीम, ऐसा करके नाम है, आप सर्च कर लेना, तो वो बाइक लिया है। अभी हम लोग बाइक को ससुराल में रख के आए हैं क्योंकि बरसात के टाइम है ना, तो मेरे इधर तो पानी जम जाता है, तो इसलिए पापा उसको सीलिंग कर रहे, सीलिंग या सोनिंग मुझे नहीं पता, उसको भराट मतलब भराट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, फिलअप करके ना ऊंचा कर रहे हैं, तो पानी जम जाता है ना इसीलिए, तो वो बाइक इधर नहीं रख सकते, ससुराल में रख के आ गए हैं। और सुमित का तबीयत थोड़ा सा ठीक है, सुमित चले गए काम पर, और शुभम था, शुभम घूमने चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं भी जाने वाली थी लेकिन बीच में भाभी बोल रहे भाभी आ रहे हैं, और मेरे घर में एक पेट्स है जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, बहुत क्यूट सा पेट्स है, मैंने कभी शेयर नहीं किया है मेरे ब्लॉग में, क्या पता मुझे याद नहीं है शेयर किया होगा, तो वो वाला ब्लॉग में मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग शूट करने वाली उसमें आपके साथ शेयर करूंगी। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग डी एंड कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, सुमित का न्यू बाइक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और बहुत अच्छा अच्छा ट्रैवलिंग ब्लॉग आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन्फॉर्मेशन एकदम इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, कैसे जाना है कहाँ पर, हर टूर करने वाली हूँ,
तो पहले बाइक एकदम से हो जाए तैयार वगैरह, नंबर प्लेट वगैरह आ जाए, इसके बाद मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा अच्छा व्लॉग और व्लॉग के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। आज के लिए टाटा बाय बाय। एक्चुअली हेयर में शैम्पू किया ना इसीलिए पूरा बाल मुंह में आ रहा है। अभी सुखाने के लिए टेरिस पे जाऊंगी, धूप भी अच्छा खिला है बाहर। बाय।